हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के थ्रू जो बिहार में 1539 पोस्टों पर फार्मासिस्ट की बम्पर वैकेंसी आई थी उसका हम लोगों को एक न्यू नोटिफिकेशन देखने को मिला है। दरअसल इस वैकेंसी का जो एडवर्टाइजमेंट था वो 2023 में ही जनवरी के पहले सप्ताह में देखने को मिला, लेकिन इसका एलिजिबिलिटी जो रखा गया वो सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी रखा गया, जिस वजह से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ कि क्यों बैचलर और मास्टर्स वाले इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है, है ना। तो इसके लिए क्या हुआ कि इस वैकेंसी को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया और फाइनली फिर से न्यूज़पेपर्स के माध्यम से पता चलने को आ रहा है और कुछ हम लोगों को जानकारी मिल चुका है कि BTSC के अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन हाँ आपका आने वाला है, इस वैकेंसी का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग क्या इतिहास है, क्या होने वाला है, क्या कुछ एलिजिबिलिटी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर या फिर एग्जिट एग्जाम या फिर किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनने के लिए किसी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन को जरूर विजिट कर लीजिए। वहां पे आपको कंप्लीट हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स प्लस लाइव क्लासेस के थ्रू कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। और साथ ही साथ यदि आप डी फार्म फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए बिल्कुल फिजिकल हैंडबुक भी 2023 के लिए रेडी कर दिया गया है, चाहे वो पांचों सब्जेक्ट्स का, चाहे वो HAP हो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो, सोशल फार्मेसी हो, या फिर फार्माकोग्नोसी हो, या फिर फार्मास्यूटिक्स हो। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट की मतलब एग्जामिनेशन गाइड रेडी कर दी गई है और इसी गाइड के माध्यम से आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से हमारे बैचेस में तैयारी कराया जा रहा है। बिल्कुल वही पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं और यहाँ पर मॉडल पेपर्स वगैरह सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। वहाँ पे हम लोग मेनली फिजिकल बुक है, जो हम लोग आपको लाइव क्लासेस में कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो चीज़ का यहाँ पे बुक आपको मिल जाएगा, जिस वजह से आप बार बार रिवाइज कर पाएंगे। और खास बात है कि यहाँ पे हम लोग मोटी मोटी किताबें नहीं की हैं, जैसे फार्मास्यूटिक्स की एक पतली सी किताब है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मात्र 48 पेज है, कुल 48 पेज में पूरी फार्मास्यूटिक्स लिखी हुई है और इस फार्मास्यूटिक्स का नोट्स हम लोगों ने ऐसा रेडी किया है ना कि इससे बाहर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं जाएंगे। अगर सही से पढ़ लेते हैं ना तो बहुत मैक्सिमम स्कोर हो सकता है। ठीक है, आप मेरा मानना है ना कि कम समय में आप बार बार चीज़ों को रिवाइज करिए। ठीक है, बार बार चीज़ों को रिवाइज करने के लिए आपके पास पतली किताब होनी चाहिए, मोटी किताब नहीं। तो आप चाहे तो पूरे इंडिया में कहीं से भी हैं, यदि आप डी फार्म फर्स्ट ईयर का इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो आप हमारे फिजिकल बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं और इसके लिए आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में होगा उस पर डिटेल में बात कर ले या फिर उदित फार्मेसी एप्लीकेशन को विजिट कर ले। ठीक है, चलिए अपनी वैकेंसी पर हम लोग आते हैं। सबसे पहले हम लोग BTSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं जिसमें कि एक वैकेंसी है, इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एट एडवर्टाइजमेंट नंबर फार्मासिस्ट व्यू नोटिस कर लेंगे। ठीक है, जब हम व्यू नोटिस करेंगे तो इसको मैं अपने PDF सेक्शन में खोल लेता हूं ताकि मैं इस पर कुछ लिख पाऊं। ठीक है, जब आप देखेंगे इसका कुछ डिटेल क्या है तो इसका डिटेल आपको यही देखने को मिलेगा कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के तहत जो फार्मासिस्ट की स्वास्थ्य विभाग बिहार के तहत पटना अंतर्गत फार्मासिस्ट के पद के लिए नियुक्त हेतु 12 फरवरी तक निर्धारित किए जाने की सूचना 10 जनवरी को दिया गया था। मतलब कहने का अर्थ है कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म 12 जनवरी से 11 फरवरी तक रखा गया था, जिसे अपरिहार्य कारणों से आदेश तक स्थगित किया जाता है, मतलब फिर स्थगित कर दिया गया था। समझ रहे ना, जो वैकेंसी आई थी उसका जो एलिजिबिलिटी रखा गया था वो सिर्फ डिप्लोमा रखा गया था, जो कि कंट्रोवर्सी था, तो इसके लिए कुछ सोचा समझा गया और फाइनली फिर से न्यू आने वाला है, इसका क्या एलिजिबिलिटी रहने वाला है उसको लेकर के। तो सबसे पहले हम लोग जो अभी न्यूज आ रहा है वो हम लोग देखने वाले हैं। जो आपका न्यूज आ रहा है वो कुछ ऐसे पेपर्स में आए हैं जो कि आपको पेपर में देखने को मिल रहा है। वो क्या देखने को मिल रहा है मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो पेपर में देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप देखेंगे बिहार स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत फार्मासिस्ट के कुल 1539 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 5 अप्रैल 2023 से 4 मई 2023 तक निर्धारित की गई, जिससे उक्त से संबंधित विस्तृत विज्ञापन आपको pariksha.nic.in पर या फिर btsc.bhe.nic.in पर मिल जाएगा, 5 अप्रैल को देखा जा सकता है। मतलब कहने का अर्थ है कि ये न्यूज़ बिल्कुल रियल है, ऐसा कुछ भी फेक नहीं है। जी हाँ, हम लोगों को पता चल चुका है कि 5 अप्रैल को आपको एक न्यू गाइडलाइन इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आने वाला है और हो सके तो एप्लीकेशन फॉर्म भी जल्दी स्टार्ट हो जाए कि इसका क्या एलिजिबिलिटी है। और आई होप कि बैचलर इन फार्मेसी वाले बच्चे भी निराश न हो, उनको भी मौका मिले इस फार्मासिस्ट के पोस्ट के लिए। ठीक है,
चलिए आई होप इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सारी चीजें समझ गए होंगे। जैसे ही इसका कोई नोटिफिकेशन आता है मैं आपको कंप्लीट तुरंत से वीडियो सबसे पहले आपको प्रोवाइड करूंगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। मैं खुद बिहार से फार्मेसी की पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा हूं तो मुझे आपको बिहार से रिलेटेड हर एक अपडेट्स मिल जाते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। चलिए आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, क्या कुछ नोटिफिकेशन रहने वाला है उसके लिए टेंशन नहीं लेना, जब भी आता है मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। और बात रही यदि आप अभी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के कैंडिडेट ही हैं या फिर एग्जिट एग्जाम वगैरह को लेकर के टेंशन में, तो यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज आते जा रहे हैं, उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना और आप हमारे एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बाय बाय।